आकाश पांडे हैं। मैं आप जी बताइए क्या हुआ है आप लोगों साथ? हमारे साथ ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ओटी टेक्नीशियन जो बरेली में संस्था चल रही है ओटी, इन्होंने क्या किया, हम एम्प्लॉय को वहाँ पर जॉब के नाम पर एक ठगी की हमारे साथ। हम यहाँ पर अकेले नहीं, आप देख रहे हो हमारे पीछे लगभग 40-50 एम्प्लॉय हैं जो इनके यहाँ काम कर रहे थे, वर्किंग कर रहे थे ज्वाइनिंगली। इन्होंने हमसे भी पैसा लिया, किसी से 20,000, 50,000, 1,00,000, यहाँ पर सभी मौजूद हैं, सबके पास एज अ प्रूफ है, कैश लेते थे ये लोग वहाँ पर, इनके सीसीटीवी कैमरा छुपा देते थे। और उसके बाद क्या किया, दूसरा इनकी धोखाधड़ी थी कि गांव में जाकर जो हमारे झोला छाप जिनको हम बोलते हैं, जो वहाँ पर मदद करते हैं गाँव के लोगों की, उनके यहाँ जाकर ये छापा डालते थे। उनसे कफील अहमद नाम है मेरा, ग्राम कुमरा के रहने वाले, थाना इज्जत नगर बरेली। क्या मामला है? ये होली वाले दिन जुलूस निकलता है गांव में होंगे, तो ये इमामबाड़े पे आ गए, जानबूझ के पकड़ के जवान उसके इमामबाड़े के चबूतरे पे होली का खेली गई थी, जानबूझ के रंग डाला गया था सब में, जो इमामबाड़े की दरवाजा और वरवाजा है किवाड़े हैं सब पे ही डाला गया, और मना करने पे गाली गलौज करने लगे और लड़ाई भी उतारू। वो तो ये कह लो अगर ज़्यादा लोग होते तो झगड़ा भी हो जाता, दो चार लोग तो हिम्मत भी ज़्यादा नहीं पड़ी। तो क्षेत्रीय थाने में सूचना करी थी? हाँ, सूचना दे रखी है, लेकिन तुरंत दी थी और दरोगा जी ने कहा अभी तक कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई विशेष कार्रवाई कुछ हुआ नहीं। तो आज कप्तान साहब ने क्या आज कप्तान साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, वीडियो दोनों की वीडियो भी हैं बनी हुई, जो बाद में भी पड़ा हुआ रंग है जो खेलना है उस समय का वीडियो है। थाने गए आप? थाने चौकी पे ही दी थी एप्लीकेशन, वहाँ से पकड़े गए ना? कोई नहीं, अभी कोई वो नहीं हुआ। करोड़ों का और के नाम पर धोखाधड़ी, पैसा वसूलना गांव में जाकर रूरल हेल्थ के नाम से, और विमल भारद्वाज, इनके बड़े बड़े डॉक्टरों का नाम लेकर, जिसे जो हमारे कहते हैं ना, जो हम लोग झोला छाप कहते हैं।